ये हमारी यूनिवर्सिटी के पीछे एक रास्ता जाता है पहाड़ों की तरफ, तो कई बार देखा लेकिन कभी आया नहीं था, तो आज मैं चला निकलता हूँ क्या इधर। एक बार पहले भी कोशिश की थी लेकिन थोड़ा सा डर लग रहा था, वापस चला गया था, लेकिन आज हिम्मत की, मैं कहा चलो देखते हैं क्या। तो काफ़ी दूर आ गए हूँ, इससे आगे जाने का मन नहीं हो रहा है, दोनों तरफ पहाड़ है और बीच में ये एक वैली टाइप की है, जिसमें यहाँ तक तो यूनिवर्सिटी ने अपना रिसर्च का जो प्रोग्राम है उसको एक्सपेंड कर रखा है। अब वापस जाऊँगा और आपको दिखाता चलता हूँ कुछ, अगर यहाँ पे इंटरेस्टिंग होगा तो आप लोगों के लिए शायद देख सकें आप कोरिया में ये पहाड़ और जंगल। तो आते समय रास्ते में एक डॉग था, काफ़ी अटैक कर रहा था मेरे ऊपर कि कहाँ जा रहे हो। अब पता नहीं कोरियन में, कोरियन लैंग्वेज में लिखा भी हो कहीं पर इधर जाना मना है, तो मुझे नहीं पता, मैं चला आया, कोई मिलेगा तो फिर बात कर लूँगा। ऑल दो मोस्टली आई थिंक दिस इज़ अ यूनिवर्सिटीज रिसर्च फील्ड काइंड ऑफ थिंग्स, दे आर मेंटेन लाइक दिस, सो दिस इज़ आई थिंक एन एक्सपेरिमेंट ऑन ट्री स्पीशीज लाइक गूगल आई थिंक। सो ये आप देख रहे हैं बड़ा ऊंचा ही पहाड़ है, यहाँ पे कुछ चिड़िया उड़िया चहका रही हैं, चहचहा रही हैं। सो पहले भी एक दिन मैं ना इस पर चढ़ा था कुछ दूर के लिए, तो कोई दिखा नहीं था, मैं चला गया था वापस। आज सोचा कि जरा देखता हूँ क्या है, तो अच्छा लग रहा है नेचर फॉरेस्ट में, थोड़ा नेचुरल लग रहा है और थोड़ा बहुत साइंस के एक्सपेरिमेंट भी बीच बीच में, कहीं ग्रीन हाउस है, कहीं पे कुछ वाटर इरिगेशन सिस्टम टाइप का बना रखा है, तो ये सब चीज़ें दिख रही हैं। और देखता हूँ और दिखाता हूँ, कोई अभी तक आदमी तो दिखा नहीं रहा मुझे, एक पोल्ट्री फॉर्म टाइप का दिखा है छोटा सा, जहाँ पे मुर्गियाँ पाल रखी हैं, और एक डॉग दिखा वो जो बार्क कर रहा था, अभी दिखाता हूँ आप लोगों को, शायद आने वाला है, यहीं पे कहीं पे है वो शिकारी, ये देखिए आपको सुनाई दी होंगी मुर्गियों की आवाज़, यहाँ पे मुर्गियाँ पाल रखी हैं, ये छोटा सा पानी का भी एक फ्लो है ऊपर से आ रहा है, ये सुनाई दी, प्यारा सा है बेचारा, अंदर है तो कुछ शायद कर नहीं पाएगा। हेलो, पक्की रोड बना रखी है इधर, ये देखिए एक फील्ड तैयार की है, शायद यहाँ पे कोई आगे जो एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट होंगे वो अपना कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह लगा रहे होंगे। ज़्यादातर हम लोगों ने देखा इधर जो मिर्च होती है बड़ी, है ना, जो हम लोग अचार वगैरह बनाते हैं ना इंडिया में, बड़ी मिर्च उसके अंदर मसाला भर के, वो वाली मिर्च पे काफ़ी एक्सपेरिमेंट इधर करते हैं, और एप्पल पे एक्सपेरिमेंट देखे हम लोगों ने बहुत सारे ग्रीन हाउस एंड ओवल ग्लास हाउसेज में भी कर रखे हैं, जो बायोटेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट होंगे वो लोग काम कर रहे होंगे। तो ये आप देख सकते दोनों तरफ ना पहाड़ है, बीच में ये वैली है, धीरे धीरे यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग क्या वहीं बढ़ रहे हो, आप लोग तो वहीं देख देख के जहाँ भी देख रहे होंगे इसको बैठ के मेरे वीडियो को, वहीं आगे बढ़ रहे होंगे। ये देखिए मैं मिर्चा के, शायद नहीं मिर्चा नहीं है ये, कोई लेग्यूम है, उस पर एक्सपेरिमेंट था शायद, अभी विंटर है तो काफ़ी डैमेज हो गए हैं, सब सड़े सूखे दिखाई दे रहे हैं। अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी जगह, अगर आप में से कोई लोग इधर आना चाहते हैं तो मुझे लगता है कंपेरेटिवली अगर आप बुसान और सियोल डेगू वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे तो मुझे लगता है वहाँ पर रहने वहने का खाने का खर्चा ज़्यादा रहेगा, और इधर थोड़ा छोटा शहर है तो एकोमोडेशन का जो खर्चा है रहने का, मकान का, घर का, वो सस्ता पड़ेगा, और थोड़ा सा कंट्री साइड है तो सब्जी वब्जी भी थोड़ी सस्ती होंगी कंपेरेटिवली मुझे लगता है, क्योंकि जैसे अब इंडिया में भी देख लो तो बड़े शहरों में चीज़ें महंगी होती हैं, छोटे शहरों में सस्ती मिल जाती हैं। तो इधर ये फ़ायदा है आपको, अगर आप लोग कुछ इधर प्रोग्राम वगैरह करने आना चाहते हैं, मास्टर्स या पीएचडी वगैरह, तो आप लोग आ सकते हैं। और मैंने एक दिन देख रहा था इंटरनेशनल के जो प्रोग्राम है तो बहुत महंगे नहीं हैं,
सस्ते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो है कि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें ये लोग लोकल जिनकी कोरियन लैंग्वेज इसको लेकर के एक टेस्ट होता है टॉपिक आई थिंक वो मांगते हैं, अगर उसमें थोड़ी सी आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह है तो आसानी से एडमिशन हो जाते हैं। और साल की इंडिया के हिसाब से मतलब 3-3.5 लाख में, मैं एक मेरे फ्रेंड है उनके भतीजे के लिए देख रहा था, तो 3.5 लाख रुपये में साल का हो जा रहा है स्कूल का, 3.5 लाख नहीं 1.5 लाख आई थिंक, एक बार और चेक करके आप लोग जब जानकारी लेनी होगी बता दूंगा या देख लीजिएगा। तो ये यहाँ पे देखिए एक्सपेरिमेंट लगे हुए थे, अभी सब हार्वेस्ट कर लेंगे, सीजन जब आएगा तो फिर से ये लोग इधर अपना एक्टिवेट करेंगे। कितना अच्छा लगता है ना ये, अभी तो विंटर है ना तो सब सूख गए हैं जितने भी यहाँ पे प्लांटेशन थे, ज़्यादातर ये वो है पाइनस है जिसके ये ट्रीज हैं, थोड़े बहुत दूसरे ट्रॉपिकल ट्रीज भी हैं लेकिन ज़्यादातर वही टेम्परेट वाली हैं। तो छोटे छोटे पॉली हाउसेज हैं यहाँ पे, एक्सपेरिमेंट लगाए हैं लोगों ने यहाँ पे, ये कुछ लिख रखा था, डायरेक्शन वगैरह दे रखा था कि 400 मीटर इधर जाओ 1400 मीटर इधर जाओ, मुझे कुछ आइडिया नहीं था, मैंने ऐसे चला गया जिधर रास्ता दिखा साफ, थोड़ा लग रहा ना इससे ब्रिटिश टाइप का वो हो। मज़ा आया भाई साहब, इधर आते हो ना एंजॉय करोगे, बहुत ही प्यारा कंट्री है जहाँ हम लोग का बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस है, तो अगर स्टडीज़ वगैरह के लिए आना है तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज इधर, और आगे जिन लोगों को यहाँ पर रहने से आगे स्टडी करने से आगे कुछ परमानेंट रेजिडेंस वगैरह मिल जाता है उनके भी आगे स्कोप है कि हाँ का इसका पासपोर्ट जो है साउथ कोरिया का वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अगर आगे करियर बनाते हैं यहाँ पर रहते हैं यहाँ की लोकल लैंग्वेज सीखते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम भी चलाती है यहाँ की गवर्नमेंट, जैसे ही कोई यहाँ पे फॉरनर आता है तो उसका जो एलियन रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है वो बन जाता है, तो उसके बाद वो कल्चरल प्रोग्राम से जो फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं तो उसमें आप पार्टिसिपेट हो सकते हैं, जिससे कि जल्दी से जल्दी आप यहाँ के कल्चर और यहाँ की लैंग्वेज को सीख सकें और आप एक अच्छी लाइफ यहाँ पे जी सकें। वो सब प्रोग्राम भी यहाँ चलाते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म में कुछ प्लान करते हो तो वो सब चीज़ें हेल्प करेंगी, थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं, ऐसे सुन के लोगों की बातें होती हैं और पढ़ के देखा तो पता चला कि ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। मैंने रजिस्टर कर रखा है तो उस कल्चरल प्रोग्राम के लिए लेकिन कभी पार्टिसिपेट अभी तक नहीं किया, देखूंगा कभी फ्यूचर में अगर कुछ प्लान बना तो। कितना अच्छा है इधर ये लैंडस्केप देखिए, वाह बहुत ही प्यारा है। अब मुझे लगता है मैं यूनिवर्सिटी के काफ़ी क्लोज आ गया हूँ, तो 1-1.5 मिनट और बनाऊँगा वीडियो, कुछ आगे कल्चरल एंड आर्ट्स का एक डिपार्टमेंट है जहाँ पर बहुत सारे स्टैचूज बनाए जाते हैं, वहाँ तक पहुँचूँगा तो आपको दिखाऊँगा, फिर उसके बाद मैं बंद कर दूँगा। चलिए लाइक किया करिए, शेयर करिए, हो सकता है धीरे धीरे मैं और बनाने लग जाऊँ, एक प्रोफेशनल यूट्यूबर तो शायद नहीं लेकिन हाँ मे बी कुछ अच्छा कंटेंट मिलेगा तो अपलोड करता रहूँगा। ठीक है ये देखिए यहाँ पे फिर वही ट्री पे एक्सपेरिमेंट लग रखा है, यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखानी थी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी वो, लेकिन मुझे लगता है मैं नीचे आ गया तो छुप गई, और सामने आप लोगों को ना एक ग्रीन कलर का नेट दिखाई दे रहा होगा वो टॉप पे, थोड़ा थोड़ा मुझे तो दिख रहा है शायद आप लोगों को दिखाई दे, तो मैं रुकता हूँ थोड़ा सा वो टॉप पे, मैं थोड़ा जूम करने की कोशिश करता हूँ, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे नेट है थोड़ा सा सेंटर पे बिल्कुल एकदम इस वीडियो के, ये नेट उधर यूनिवर्सिटी में लगा हुआ है, यहाँ पर जितना भी स्टाफ है स्टूडेंट्स वगैरह वहाँ पर गोल्फ की प्रैक्टिस करते हैं। पीछे एक बिल्डिंग है जहाँ पर मल्टी स्टोरी टेरेस टाइप का बना रखा है जहाँ से वो बॉल को हिट करते हैं उसके एक स्टिक जो होती है उसके साथ, तो वहाँ से फिर इस बॉल सारी इस नेट में आके गिरती हैं, फिर वापस जा कर के एक जगह पे फिर कलेक्ट हो जाती हैं, तो आई थिंक थाउजेंड्स ऑफ बॉल्स वहाँ पड़ी रहती हैं और वो फेंकते रहते हैं, फिर वो जितने भी वर्कर होते हैं सब कलेक्ट कर लेते हैं और उसको फिर अगले दिन काम आती हैं। तो मैंने पहली बार देखा था, मुझे इंटरेस्टिंग लगा था, सोचा आप लोगों को बताऊँ, ये कहता अच्छा इधर से व्यू है, रुक के थोड़ा सा आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखिए वाओ, जो मैं यहाँ एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ शायद आप लोग वीडियो में ना कर पाएँ, लेकिन बहुत ही पीसफुल बहुत ही ब्यूटीफुल। तो कभी हुई हो तो यहीं पे बैठ के कविताएँ लिखो शेर व शायरी करो, बड़ा ही पीसफुल जगह है। अगर मैं अभी आपको फिर दिखाता हूँ, थोड़ी देर के लिए बंद करता हूँ वीडियो, ये देखिए यहाँ पूरा एक्सपेरिमेंट है मिर्चा पे था, अभी तो सब यूनिवर्सिटी ऑफ है जनरली तो बच्चे हैं नहीं,
अब आगे जब स्टार्ट होंगे सेशन नेक्स्ट मंथ में मार्च में, तब बच्चे आएंगे तो अपना काम रिसर्च का स्टार्ट हो जाएगा, कभी विंटर है तो। ये सामने पॉली हाउसेस हैं, ये सबसे पहला जो पॉली हाउस है ये हम लोगों का है, हमारे डिपार्टमेंट का, जो हमारे प्रोफेसर हैं जिनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं उनकी सारी रिसर्च इसमें होती है। तो हमारा बेसिकली जो रिसर्च है वो इकोलॉजी में, प्लांट इकोलॉजी, तो प्लांट्स कैसे आपस में कम्युनिकेट करते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं, और कौन सा स्पीशीज़ का कॉम्बिनेशन होगा जो बेस्ट होगा इन्वेजन को रोकने के लिए। बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो फॉरेनर हैं और आकर के जो लोकल यहाँ की कम्युनिटी या डाइवर्सिटीज़ को इफेक्ट डालती हैं। तो ये काइंड ऑफ ग्लोबल नॉलेज है जिससे आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, आप अक्रॉस द वर्ल्ड कहीं भी हो, लेकिन प्लांट्स वैसे ही कम्युनिकेट करेंगे, प्लांट्स वैसे ही इंटरेक्ट करेंगे, उनकी कम्युनिटी वैसे ही बनेगी, और वो उसी प्रोसेस के थ्रू ही सारी उनको अपने इन्वेजन को रेजिस्ट करेंगे। तो ये रिसर्च हम लोग यहाँ करते हैं। एक बार पीछे से आपको सारा दिखा देता हूँ, काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है। तो ये अब यहाँ से ये पॉली हाउस वगैरह ग्रीन हाउस स्टार्ट हो गए, ये हम लोग का है जहाँ पे, ये पहला वाला है। इस पर अभी हो गया, हम लोग के हार्वेस्टिंग हो गया, तीन एक्सपेरिमेंट लगे थे, तीनों हार्वेस्ट हो चुके हैं, उस पर पब्लिकेशन वगैरह आगे का काम चल रहा है। इसके बाद ये बायोटेक्नोलॉजी के हैं ज़्यादातर, हैं बहुत सारे प्लांट्स पे काम कर रहे हैं, एप्पल पे ज़्यादा रिसर्च हो रही है, कुछ और फ्लावरिंग प्लांट्स पे भी है, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट होंगे, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सब लोग काम यहाँ कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के। तो वेल एस्टैब्लिश रिसर्च प्रोग्राम भी है, कोई PhD वगैरह करने आना चाहता है तो उसको भी, मुझे लगता है बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे, बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत ही अच्छे लोग हैं ये लोग, बहुत ही हेल्पिंग हैं, बहुत ही इनोसेंट, बड़ा मज़ा आता है इनके साथ काम करने में। तो ये रहा यहाँ तक, आगे मैं आर्ट और गैली का डिपार्टमेंट है छोटा सा वो दिखाऊंगा, फिर उसके बाद मैं अपने डिपार्टमेंट पहुँच जाऊँगा। ओके दोस्तों, रखता हूँ फिर मैं, देखिएगा अगर कुछ अच्छा लगता है तो शेयर करिएगा, कमेंट वगैरह करिएगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, फिर बनाऊँगा, सब्सक्राइब वगैरह करिएगा, हो सकता है धीरे धीरे कुछ अच्छे बनाने लग जाऊँ और आप लोगों को काफ़ी नॉलेज मिले, यू नेवर नो। ओके नमस्कार, बाय बाय।